एजुकेशन ते हिकिड़ो इंतहाई अहम सेशन शुरू करण वारा आहियूं। जेके बि हिते दोस्त वेठा आहिनि, पैनलिस्ट वेठा आहिनि, सभु खां अवल इंतिज़ामिया जे पारां मां उन्हनि खां माफ़ी थो घुरां। हिकिड़ो सेशन असां लेट पिया हलूं ऐं सवेर सां ॻाल्हि कई हुई त असां कराची में रहंदड़ जेके सिंधी आहियूं उन्हनि खे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वारी बीमारी पइजी वई आहे, ॿारहें खां अवल घरों निकिरूं ई नथा। सुभाणे बि पहिरियों सेशन 10 बजे सुबुह जो शुरू थींदो। हिन सेशन में जेके पैनलिस्ट आहिनि, हिकिड़ो पैनलिस्ट साईं महबूब शेख साहिबु वेठो आहे, ऐं सिंध हुकूमत जे सेक्रेटरी एजुकेशन फॉर स्कूल्स मोहतरमा डॉक्टर शीरी मुस्तफ़ा खे गुज़ारिश थो कयां त हू स्टेज ते अचनि ऐं तव्हां सभु मैयत ते न वेठा आहियो, ताड़ियूं बि वॼायो। ऐं गुज़ारिश थो कयां नामियारे लेखक ऐं पंहिंजे वक़्त जे तमामु वॾे सियासी समाजी कारकुन जनाब प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहब खे त हू स्टेज ते अचनि। ऐं हिन फंक्शन, हिन तकरीब, हिन सेशन जी मॉडरेटर मोहतरमा फिज़ा पिताफ़ी खे घुराइण खां अवल हिकिड़ी आख़िरी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, उहा हीअ आहे त मूं सेशन ॿुधाइनि वेठे हेठि ॿुधल माण्हू वेठा चवनि था त का असांखे नई ॻाल्हि ॿुधायो। सो हीअ जेके पैनलिस्ट वेठा आहिनि इन्हनि खे मां वेंदे वेंदे इहा गुज़ारिश थो कयां त भले तव्हां जूं ॻाल्हियूं कड़ियूं हुजनि, ॾुखियूं हुजनि, ख़तरनाक हुजनि, पर महिरबानी करे सिंधी माण्हुनि खे साफ़ ॿोलीअ में नयूं ॻाल्हियूं ॿुधायो त असां ऐं असांजी तालीम किथे बीठी आहे। हींअर गुज़ारिश थो कयां मोहतरमा फिज़ा पिताफ़ी खे त हू अचे ही सॼो कार वहिंवार संभाले। मोहतरमा फिज़ा पिताफ़ी, मोहतरमा यसरा आखूंद, पहिरियों दफ़ो मूं हुनजो नालो बि ॿुधो आहे, ॾिठी बि, हींअर मूंखे एजाज़ साहबु ॿुधायो। उनखे दिलि जे गहराइनि सां मां गुज़ारिश थो कयां उहे स्टेज ते अचनि, यसरा आखूंद साहिबा। ऐं तव्हां ताड़ियूं नवनि माण्हुनि जी आज्ञा लाइ वॼायो छो न था, इहो त ॿुधायो। फिज़ा अचो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जॾहिं बि असां कंहिं डेवलप्ड कंट्री जी या कंहिं सक्सेसफुल क़ौम जी हिस्ट्री खणी ॾिसंदा आहियूं त उन में खोड़ सारा फैक्टर हूंदा आहिनि, पर सभु खां जेको प्रोमिनेंट फैक्टर आहे उहो हिकिड़ो अफोर्डेबल, हिकिड़ो क्वालिटेटिव, हिकिड़ो मज़बूत तालीमी निज़ाम हूंदो आहे। ऐं इट्स राइटली सेड त जॾहिं कंहिं क़ौम खे तव्हां तबाह करणु चाहियो था त तव्हांखे तलवार जी ज़रूरत नाहे, रुगो उन क़ौम जो जेको तालीम जो निज़ाम आहे उनखे तबाह करे छॾियो, क़ौम पाण ई तबाह थी वेंदी। विथ दैट नोट, मां पहिरियों सुवाल पुछंदसि पंहिंजे स्पीकर जनाब एजाज़ साहब खां। सर, ड्रॉप आउट रेशो हिकिड़ो तमामु वॾो मसइलो आहे सिंध में एजुकेशन जो। तक़रीबन 6.5 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। ख़ासि तौर ते 5 खां 8 ग्रेड वारा जेके ॿार आहिनि उहे ज़्यादातर स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। तव्हांखे छा थो लॻे, वट आर द रीज़न्स आहिनि की कीअं ओवरकम करे सघिजे थो? तव्हांजी महिरबानी, बिल्कुलु तव्हांजो जेको सुवालु आहे सो तमामु आम आहे। अॼुकल्ह असांजे स्कूलनि में इहो ई मसइलो आहे सॼी सिंध में, बल्कि असांजी भेण सेक्रेटरी एजुकेशन हिते वेठी आहे। कल्ह ई मां ही जेके अंग अखर आहिनि से RSU मां वठी आयुसि त मुंहिंजो गवर्नमेंट जी फिगर ॾिजे। हिकिड़ो त गवर्नमेंट जे तरफ़ां ख़ुदि जेको आहे ड्रॉप आउट रेट 30 खां 40 जे विच में आहे, माना जेकॾहिं एतिरो 1000 ते 30 माण्हू या 40 माण्हू स्कूल खां ॿाहिरि हुजनि
तो बाकी अस बचे छो जे बया अंग अखर जो वो इंडिपेंडेंट अदारा उ वो पांजे तरफा अंग अखर था बुधाइन जी तुम तो 6.5 मिलियन चिल्ड्रेन आर आउट ऑफ स्कूल ए गवर्नमेंट जो यो चवण है तो इट्स अबाउट 4.4 मिलियन फर्क तो कोई को जगह 40 लख या 45 लख बहर होदा 65 लख बहर तो कड़ो फर्क तो थे तो इन कर समझा तो तालीम से जी वही ज्यादती है तो वह क्लास चौथे पंजे का वी अठे तई बार निकरी था वन पकूल में उन रीजन्स तमाम घना एक अस वो है सो स्कूल बंद हैं जे घोस्ट स्कूल वो हो हाँ चूं था 5-6 हज़ार स्कूल मैं वही फिगर आ उ बंद हैं ज़्यादा स्कूल बंद हूँ तो बार दाखिला किथे वो किथे पढ़ो तेने कर स्कूल की सूरत हाल तमाम घनी खराब आ हालांकि उन कम भी थे पो खर्च भी थे पो अगे चीफ मिनिस्टर साहब इमरजेंसी भी हुई पर उन बावजूद को नतीजो अड़ो सही अस नजर ना आयो तो बार जो सो दाखिला वे तो उन करो स्कूल जो बो है तो जो है असो मू गरीब गुर्बत जो तमाम वो फैक्टर है जैमें बार अफोर्ड नथो कर सके माइट उन्होंने कम में लगाइन था माइट उन्होंने मजूरी में लगाइन था घर में कम था कराइन या अड़े नमूने माइट उन्होंने बनी में वी था वन तो इो एक सबब है तो उनकी गुर्बत भी तमाम पानी जाए ते आहे बो यो है तो स्कूल में सहूलतू मौजूद ना हैं स्कूल में बाथरूम्स को खास कर गर्ल्स स्कूल लाए देर आर नो वॉशरूम्स गर्ल्स कैन नॉट कम टू द स्कूल वो हलि व्यून पैं घर जो जरूरत पवे थी तो वॉशरूम में तो वो थे तो दीवार कान्ह स्कूल की जो सूरत हाल एडमिनिस्ट्रेशन को उस्ताद पढ़ाए को तो, उस्ताद तरबियत याफ्ता को ये समझा तो तमाम अहम अड़ा इशूज हैं जैसे का हद कान्ह बो उस्ताद जो है सो शागिर्द के मार कढ़े तो स्कूल में हिंसर भी तुम ता केतरा अड़ा वाक़ा थन था अस इलाही उस्ताद वेठा सब समझना हूँ साई नागपाल साहब भी है जतोई साहब ताज साहब भी सब थी रो उन करे तो उस्ताद की क्वालिटी कान्ह बी गाल मेन तो उस्ताद की तरबियत ही कान्ह तो पढ़ाए क्या छा पढ़ाए बो स्कूल वन रूम वन टीचर स्कूल आ एकड़ो कमरो है उन में 5 क्लास पढ़ाया वन था घणी गाल तमाम जो मां लिखी आया पेपर सजो पर मां समझा तो ये तमाम अड़ी गाल असाखे अन्या इनते रिसर्च करन घुर्जे डेटा कलेक्ट करन घुर्जे हालांकि RSU एक अड़ो अदारो है सिंध गवर्नमेंट जैमें कुछ कम थी रो पर उन बावजूद भी ध्यान तमाम घणो दियणो मॉनिटरिंग इज अनदर फैक्टर जैस तुम मॉनिटरिंग न कौ घुर्बल नतीजा उ नथा मिली सकन इन करे स्कूल की हालत बेहतर करण घुर्जे स्कूल में वॉशरूम करण घुर्जन स्कूल के दीवारों दियण घुर्जन स्कूल में को चौकीदारी निज़ाम हुए चोरी जो वो रिपोर्ट्स अचन पड़ो स्कूल है कासमाबाद हैदराबाद में एक रात उन सब पखा लही व बया बत्तियों निकरी व्यू बेंचू खजी व्यू मतलब घणी गाल अदी शरीन के ज़ाहरा गुजारिश कर चाह शी इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट नाओ तो वह जो पी जाए इन शे ध्यान दिए जो है सो उन अमली जामो पहराजे तो बेहतर थन इत बस यही पैर सवाल खत्म तो क्या गाल घन तमाम वे अगर बढ़ा सकूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ख्याल में अड़ा जी इम्पोर्टेंट डिस्कशन वाला सेशन्स हूँ इन इंडोर रख तमाम बेहतर रहा डिस्टर्बेंस है अच्छा डॉक्टर महबूब हाँ तुम वटींदस तो सर जी अस हायर एजुकेशन की गाल क्यों था तो हायर एजुकेशन इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम कोई भी मुल्क आ उनकी हायर एजुकेशन होंगी उ डिसाइड कहती काफ़ी हद तई
तो जो सिटीजन है उनको फ्यूचर छा हों उन्हीं कौम जो फ्यूचर छा हों उन मुल्क जहाँ जो ग्लोबल कम्युनिटी से तालुकात उड़ा हों कड़े किस्म की इम्प्लॉयमेंट उत होंगी तो यो एक तमाम इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन जो पहलू हों हायर एजुकेशन जो वेन डिस्कसिंग हायर एजुकेशन इन सिंध तक तो लगे कड़ा की इम्पोर्टेंट इशूज हैं जिन्होंने हाईलाइट करने की जरूरत है। थैंक यू फिजा। I have divided my speech in two parts. The first one is the issues. The higher education sa issues kehda hain. And un khan poi in the second part I will explain, I will give the way forward. Secondary education bhi ite maujood hain ai jeke असाया सामईन बुधंदड़ आन उनके भी तो हाईली एजुकेटेड मानू हैं यूनिवर्सिटी से वाबस्त भी है। हाँ असाया जो इशूज आन उनमें थोड़ा इजाज़त मुख्य दियो तो ये पढ़ी वा द सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप वेन आई से इशूज and the leadership centralized, it means I am talking about the universities, only universities. Many of our higher education institutions in public and private sector operate under centralized or authoritative administrative structure which stifles innovation, growth and flexibility. Etro the control ahe academia te faculty te ya even I say on the students jo ka bhi hu baaf na tha kadi sagan ko sawal bhi na tha puch sagan ai keh jaye te ko hede hode soche na tha sagan. Then the other problem is the shortage of faculty, a significant shortage of qualified and trained faculty. I repeat my words, it is the shortage of trained and qualified subject specialist that threaten the quality of education as well as the career path of young graduates. The third one is the outdated pedagogy, outdated or less effective pedagogical methods have failed to stimulate critical thinking among our students, leaving them ill equipped to compete in a rapidly evolving job market driven by technology and digital advancement. Accreditation, there is a lack of motivation to pursue international accreditation. Tamake hairat thindi unbelievable hain figures ta sirf 0.4 असाजो इंस्टिट्यूशन जो उनके इंटरनेशनल एक्रेडिशन मिले है। देन क्वालिटी ऑफ रिसर्च, शायद का सिंध में यूनिवर्सिटी हुए जैमें रिसर्च थी हुए कें भी किस्म की। देन देर इज द पब्लिकेशंस, एच ई सी वारन जी कैटेगरी आए एक्स वाई जर्नल्स की जै ला उहे असां वटि रिसर्च आर्टिकल्स मैगज़ीन्स उहे नथा शाय थियनि ऐं शायदि ई को आर्टिकल वेंदो हुजे जेके इंटरनेशनल जर्नल्स आहिनि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन में शाया थींदा हुजनि। द सेकेंड पार्ट विल बी हाउ टू गो अबाउट, उहो मां तव्हांखे पोइ ॿुधायां थो। थैंक यू सर। अच्छा यसरा, मुंहिंजो नेक्स्ट क्वेश्चन तव्हां खां आहे। जैसे अस एजुकेशन में एक तो अस उ पॉपुलेशन जनरली औरतन की वधिक है, पर जैसे लिटरेसी रेट दिसूँ था तो वो एज कंपेयर टू मैन असो तमाम घट है। तो जैसे ये जो जेंडर गैप है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इनके तक तो लगे इन रीजन्स हैं कड़ी स्ट्रैटजीज हैं जो इन ओवरकम कर यूज थी सकन थी। थैंक यू सो मच फिजा। अच्छा जेंडर जिता जेंडर गैप की गाल कई तो इतना खा ही ओपिनियन तांजे सामू रखंदस त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो स्टार्ट थे थी ना वह असर घर स्टार्ट थे थी।
जडे असांजे घरन में औलाद धी आई पुट जो थे तो फौकियत हमेशा पुट के अचे थी जो कि अग्या खानदान उनजो वधंदो कमायणो हुन के आए छोकरी के छाए छोकरी के तो घर पराए घर वनी पेंजो भी घर न हो पराए घर वनी उने जो खानदान अग्या करणो है तो असांजी घणी फौकियत हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जडे घर का स्टार्ट थे थी थींदे 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 वह जडे सोशली अचे थी तो उनमें सोशली असां वट रिलिजियस बैकग्राउंड भी डिजे तो उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी डिजे तो छोकरी ते एडा पैसा खर्च न कजन छोकरे के घणो पढ़ाए छोकरे के लिए घणी ऑपॉर्चुनिटीज डिजन इन करे जकी शयूं छोकरन के सप्रेस कंदियूं थी वन न उन हिसाब में अग्या वधन भी चाहे तो उन्होंने लिए काफ़ी सारा बैरियर्स था होजन सोशली डिठो वने जो कुछ बैरियर्स अगर क्रॉस करे अग्या वन भी थियं तो उनकी जर्नी एकड़ी पेंजी होती है। आई थिंक तहां भी इन गाल के डाडो सुठो रिलेट करे सगो था एकड़ो तो असो पाकिस्तान में सिस्टम है न वो ब समझे तो डिविजन्स में हले तो अर्बन ई रूरल अर्बन जो है उनमें असा के पढ़ल लिखल खवातीन ढी सुठ मिली थी वन जे पाँ पैर बीठी हैं जिनके घर घरेलू सपोर्ट है जिनके घर में शायद डिस्क्रिमिनेशन एतरी नी थे बट अगर अस रूरल साइड से वनू तो रूरल साइड वाले पास ढो मायन के जो है ना सो वो दुख मुकाबलो तो करो पवे उन इकोनॉमिकली बैरियर्स था होजन सोशली बैरियर्स रिलिजियस बैरियर्स काफ़ी सारा बैरियर्स होजन के करे भी का निकरे थी तो ढी मुश्किल में थी निकरे न तो रूरल जो जो रेशियो है वो तमाम घट है हाँ मैं तक बुधा तो जो रूरल में लिट्रेसी रेट है वो 23% है जडे तो बाकी जो इलिटरेट रेट है वो 85% के लगभग है तो उन अंदाजो हणो तो असो जो कम है न वो रूरल एरियाज में वनी उन औरतुन के चाहिए तो फाइनेंशियली सिर्फ स्टेबल को करो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को दियणी बल्कि उनकी एजुकेशन से भी कम करो है वह एजुकेशन किए उन बारे में अस कम कर सकूँ था वो मैं तक नेक्स्ट में बुधाइंदस पर फिलहाल आऊँ तक बुधाइंदी हल तो 32% जो असा बार सजे पाकिस्तान जो आउट ऑफ स्कूल्स आउट ऑफ स्कूल्स माना जै उम्र में उन्होंने स्कूल वन घुर्जे उन उम्र में उन्होंने माइट उनके या तो चाइल्ड लेबर से हणी छदीन जो कि वही अगर अस रीजन्स के पुठियाँ वनू तो रीजन कुड बी पॉवर्टी गुर्बत इकोनॉमिक क्राइसिस इन्हें जे करे असांजा जेके 32% आई मेजरली अगर आऊं गाल कया सिंध जी तो 44% जेके असांजा बार आहिन वे आउट ऑफ स्कूल्स आहिन आई न्याणन जो रेशियो अगर तां बुधंदा इन में तो 37% इन में न्याणन जो रेशियो है जेके आउट ऑफ स्कूल्स आहिन ताईं ताईं अफ़सोसनाक जेके अंग अखर ॿुधाया तमामु ॾाढो अफ़सोस थिए थो वाक़े में इन में इलाही असांजा सोशल ऐं कल्चरल इशूस बैरियर्स जेके आहिनि उहे बि तमामु इम्पोर्टेंट रोल प्ले कनि था। मुंहिंजो अॻियों सुवालु आहे एजाज साहब खां सर कैरिक्युलम ते तमामु घणी डिस्कशन हलंदी रही आहे हिकिड़ी वॾी डिबेट हलंदी रही आहे ख़ासि तौर ते जॾहिं सिंध जे स्कूलनि जे कैरिक्युलम ते असां ॻाल्हायूं था त तव्हांखे छा थो लॻे तव्हां उन कैरिक्युलम जे हवाले सां छा चवंदो प्लस में इहो बि ॿुधायो त तव्हांखे लॻे थो त उहो डाइवर्स जेके नीड्स आहिनि स्टूडेंट्स जी उनखे फुलफिल करे थो। इहो तमामु हिकिड़ो अहम सुवालु आहे। सिलेबस ते असां वटि कमु कोन पियो थिए घटि पियो जेका असांखे ख़बर आहे तालीम खातो वधीक ॿुधाए सघे थो त कहिड़ी हद ताईं कमु थियो आहे साण किताब उहे ई जेके आहिनि पुराणा हली रहिया आहिनि हिकु अधु शइ का मटिजे थी हिकु अधु को पॉइंट थिए सिलेबस में साईं इदीर जतोई साहिबु वेठो आहे इन्हनि कमु कयो आहे पर हिन वक़्तु मूंखे अहिड़ी का शइ नज़र न पई अचे। हाणे त वरी नई ॻाल्हि हलाई आहे त इहो वन कैरिकुलम वन सिलेबस उहो माना उनखे तव्हां वेढ़े सेड़े ऐं हिकिड़े सॼे मुल्क जो सिलेबस आणियो ऐं उनजे मुंहिंजे ख़्याल सिंध गवर्नमेंट बि उनजे ताईद कई हुई ॿियनि बि ताईद कई हालांकि जेके असांजा समाजी तबिका आहिनि या जेके तालीमी तबिका आहिनि या असां उन्हनि मुखालफ़त कई आहे हिनजी त इहो न थियणु घुरिजे छाकाणि जेकॾहिं तव्हां कुझु सिलेबस त खणी गॾियल थी सघे थो पर जेको तव्हांजो पंहिंजी तालीम आहे पंहिंजो कल्चर आहे पंहिंजी सकाफ़त आहे पंहिंजी ॿोली आहे उनखे तव्हां कॾहिं जेको आहे सो खणी ईंदव इन करे उहो सिलेबस तब्दील थियणु घुरिजे। ॿाहिरीं दुनिया में हर साल ॿिए साल सिलेबस तब्दील थींदो आहे। हींअर ॾिसो तव्हां असांजो टेक्स्ट बोर्ड जा किताब खणी ॾिसो
ऐं जेके वरी प्राइवेट स्कूल आहिनि उन्हनि जो सिलेबस खणी ॾिसो त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो सिलेबस हले थो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस जो सिलेबस हले थो, दुनिया जा ॿिया जेके आहिनि अंग्रेज़ीअ में किताब आहिनि या ग्रामर जा आहिनि, फिज़िक्स जा आहिनि, केमिस्ट्री जा आहिनि, इकनॉमिक्स जा, उहो हिकिड़ो बिल्कुलु तब्दील थियल शयूं जेको ॿार जो तमामु वधाए थो आई क्यू, ॿार जो ज़हन, ऐं ॿार खे बहितरीन तालीम मिले थी जेका असांखे बदकिस्मती सां कोन, असांजे उस्ताद जी तरबियत कान्हे का। उस्ताद खे तव्हां तरबियत न ॾींदव ऐं उहो उस्ताद नओं सिलेबस न सिखंदो त शागिर्द खे छा पढ़ाईंदो। इन करे सिलेबस जे लाइ हिकिड़ी मुंहिंजी सजेशन आहे त हिकु परमनंट कमीशन हुजे, परमनंट कमीशन। आई वुड सजेस्ट द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू अपॉइंट अ परमनंट कमीशन ऑन सिलेबस परमनंटली सो दैट दे कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशंस एंड न्यू एनवायरमेंट। इहो तमामु ज़रूरु थियणु जे उन खां सवाइ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑन ए गुड एजुकेशन इन सिंध, स्पेशली सिंध इज़ फार बिहाइंड देन पंजाब एंड फ्रंटियर इवन टू सम एक्सटेंट फ्रॉम बलोचिस्तान। त मुंहिंजी इहा राय आहे त इहो थींदो। ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि त जेकॾहिं हाणे असांजो शागिर्द खे अंदरि कीअं आणिजे, उहो स्कूल छॾे न वञे, उन लाइ मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जेके मूं उन में सिलेबस लिखियो आहे। हाणे ईअं न आहे त सरकार कुझु न पई करे, सरकार बि कुझु कमु करे पई बहितर पंहिंजी जाइ ते, अदारा आहिनि, कॉलेजिस आहिनि, स्कूल आहिनि, पर उन जे बावजूद बि अञा असांखे तमामु घणो ध्यानु ॾियणो आहे। जीअं मॉनिटरिंग जी मूं ॻाल्हि कई, जेसि ताईं मॉनिटरिंग तव्हां वटि स्ट्रांग न हूंदी त यू कॉन्ट रियली मूव फर्दर, मूव फॉरवर्ड। उन करे उहो उन्हनि खे तमामु ज़रूरी आहे। ॿियो असां वटि वी हैव सोशल टबूस, रिलीजियस टबूस, असां वटि जेके इहे शयूं आहिनि। ॿी ॻाल्हि जेका मां करणु चाहींदुसि त हिते जी डी पी जो लीस्ट परसेंट वी आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। असांखे घुरिजे त असां जी डी पी, इहो इलाही किराए थींदी रही आहे, पाकिस्तान ठहियो आहे त जी डी पी, जी डी पी हेतिरो ख़र्चु कयो, सभु उस्ताद वेठा आहिनि पर ईअं कोन पियो थिए। हींअर बि इहो ज़रूरी आहे त जी डी पी जो 4% जेको आहे उहो असां ख़र्चु कयूं तालीम ते, रुगो बिल्डिंगूं न ठाहियूं, उस्ताद भर्ती कयूं सुठा ऐं उन्हनि खे कंडीशन सुठियूं ॾिजनि, एनवायरमेंट सुठी ॾिजे, तॾहिं हू जेको आहे सो तालीम पढ़ाए सघंदा। चयो त असां वटि कॉन्स्टिट्यूशन जी आर्टिकल आहे 25A, उन तहत तव्हांखे फ्री एजुकेशन ॾियणी आहे। उन में किताब तव्हांखे ॾियणा आहिनि, दाख़िला ॾियणी आहे, यूनिफॉर्म ॾियणो आहे, थैला ॾियणा आहिनि, हर शइ तव्हांखे उन्हनि खे ॾियणी आहे। बाक़ी जे ॿार पाण थैलो वठे, ॿार पंहिंजो खाधो खाए त पोइ त का फ्री एजुकेशन कोन थी सघे थी। इन करे आउं सम्झां थो त इन्हनि इहे शयूं आहिनि मुंहिंजे नज़र में। ॿी हिकिड़ी सजेशन आहे जेका अदी खे ॾींदुसि मां त कंसॉलिडेटेड कैंपसिस ठाहिणु घुरिजनि। हाणे थर जे हिकिड़नि ॻोठनि में इन वन विलेज देर आर 59 स्कूल्स, वन स्मॉल विलेज, ॿिए ॻोठ में 34 स्कूल आहिनि। माना देर आर सो मैनी डिस्क्रिपेंसीज विच वी कैन अवॉइड, ऐं उन में जेको आहे सो असां इहो करे उन्हनि खे कयूं। ऐं हिकिड़ी लास्ट पॉइंट गुज़ारिश आई आहे आख़िरि में, उनजो असरु हुजे न हुजे, पर सिंधी इज़ नॉट बींग टॉट इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन इन द प्राइवेट, प्राइवेट त कोन पियो थिए। उन लाइ सिंधी हुकूमत खे हिकिड़ो ज़बरदस्त एक्शन करणु घुरिजे, पर गवर्नमेंट स्कूल्स में बि सिंधी नथी पढ़ाई वञे। वेयर आर वी स्टैंडिंग? वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू रियली अचीव सम गोल ऑफ एजुकेशन, त सिंध जे बचनि खे, माण्हुनि खे, शागिर्दनि खे तालीम ॾेई थोरो अॻियां वधाइजे, थोरो मुस्तक़बिल सुधरे ऐं सिंध जो मुस्तक़बिल बहितर थिए। महिरबानी। थैंक यू सर। डॉक्टर महबूब तव्हां वटि ईंदुसि। सर, हिकिड़ो तमामु वॾो अलमियो आहे त असां जेको आहे हर साल खोड़ सारा हज़ारे लखे जेको आहे ग्रेजुएट प्रोड्यूस कयूं था, पर असां स्किल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नथा करे सघूं। असां हिकिड़ो सेट ऑफ नॉलेज त ॾियूं था, इवन अगरि असां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जी ॻाल्हि था कयूं ऐं उते असां क्वालिटी ते आंगुर उथारियूं था, पर जॾहिं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जी ॻाल्हि थी अचे तॾहिं बि असां उन्हनि खे सेट ऑफ नॉलेज ॾियूं था, पर जॾहिं सेट ऑफ स्किल्स जी ॻाल्हि थी अचे त निल बटा निल आहे। ऐं जॾहिं ही ग्रेजुएट्स कंपनीज़ में वञनि था, डिफरेंट कॉर्पोरेशन्स में वञनि था या पंहिंजो बिज़नेस स्टार्ट करनि था, त उन्हनि वटि कोई स्किल न हूंदो आहे। सर, छा चवंदो आहे इन बारे में? ॾिसो, मां पंहिंजी जेका ॻाल्हि कई पए,
उहा मूं अध में छॾी उहा मूं अध में छॾी इंटेंशनली त जीअं तव्हां वरी ॿियो सुवाल मूंखां पुछो उनखे कंटिन्यू कजे। तमामु संजीद माण्हू वेठा आहिनि जिन खे ॾिसी ख़ुशी बि थिए थी ऐं दिलि बि चए थी त उहे तजवीज़ूं बि एतिरियूं संजीद हुजनि ऐं जंहिंखे हींअर लाइव बि नशर कयो थो वञे। इन ॻाल्हि ते असां सभई मुतफ़िक़ आहियूं, सिंध जा सभई पढ़ियल माण्हू या आम माण्हू बि, त उहे चवनि था त तालीम जो मयारु सिंध में ॾाढो किरियल आहे। ऐं जॾहिं असां तालीम जे मयार जी ॻाल्हि कयूं था त इट मीन्स राइट फ्रॉम प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल, मां पाण खे महदूदु कयां थो यूनिवर्सिटी लेवल ते। पब्लिक सेक्टर में देर आर 27 यूनिवर्सिटीस, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं 27 यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटियूं, ऐं 44 यूनिवर्सिटियूं आहिनि प्राइवेट सेक्टर में। जेकॾहिं चऊं असां त इट इज़ द मशरूम ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीस विच इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ जो पूरो मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सुपरवाइज़िंग, चेक करणु, ॾिसणु, हलाइणु, उन लाइ बॉडी आहे सेंडिकेट, यूनिवर्सिटी सेंडिकेट। यूनिवर्सिटी सेंडिकेट जी पोज़िशन छा आहे, तव्हां उनजी जोड़जक ॾिसो त उन में मेजॉरिटी जेके आहिनि से यूनिवर्सिटी इम्प्लॉइज़ आहिनि। उन खां पोइ के नामीनीज़ आहिनि एच ई सी जो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो ऐं हिकु ॿ ॿिया। मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॿुधायां थो जंहिं मां तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी हाउ द यूनिवर्सिटीज़ वर्क एंड वॉट इज़ द रोल ऑफ देयर सिंडिकेट। जॾहिं मां एडिशनल सेक्रेटरी हुउसि तॾहिं गवर्नमेंट ऑफ सिंध जी नुमाइंदगी करण लाइ मां हिकिड़े पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में वयसि। उते साईं प्रोमोशन जो केस आयो एन असिस्टेंट प्रोफेसर वॉज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोमोटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर। तव्हांखे ख़बर आहे त एसोसिएट प्रोफेसर मीन्स ग्रेड 20, ग्रेड 20 माना असांजे सेक्रेटरी जे लेवल जो माण्हू थी वियो, उहो आहे एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। एच एस सी जी क्राइटेरिया आहे त उन्हनि जूं पब्लिकेशन हुजनि इन सम इंटरनेशनल जर्नल और ए जर्नल ऑफ सम रेप्यूट, जंहिं साहब जंहिं असिस्टेंट प्रोफेसर जो केस आयो त उन में रेफरेंस तौर ॾिनो हिकिड़ी सिंधी अख़बार में पंहिंजो मज़मून, जंहिं ते मूं ऐं एच ई सी नुमाइंदे अब्दुल कादर अंसारीअ एतिराज़ु कयो। उन महिल त रुकिजी वियो, असां उथियासीं, मानी खारायूं फस्ट क्लास, मूंखे ड्राइवर कोन हुयो। मां जॾहिं पंहिंजी गाॾीअ ते विहण आयसि त उहा जेका एसोसिएशन ई उन मुंहिंजी गाॾीअ जो घेराव कयो ऐं चऊं त आईंदह वरी हिन यूनिवर्सिटी में क़दम न रखिजो, तव्हां अॼु असांजो केस ख़राबु कयो आहे, नेक्स्ट टाइम वी वॉन्ट टू सी यू हियर अगेन इन यूनिवर्सिटी। उन खां पोइ जॾहिं मूं ॿुधायो सेक्रेटरी खे हाल अहिवाल त चई बाबा पोइ हाणे पाण ॼाण त हाणे उहा जेका सेंडिकेट आहे, जेका मॉनिटरिंग बॉडी आहे जंहिंजे हथ में सभु कुझु आहे, उन सेंडिकेट में ज़रूरी आहे त गवर्नमेंट जेको आहे पंहिंजो रोल अदा करे, प्रोमिनेंट सिटीज़न्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स विथ हाई रेपुटेशन, जजिस उहे रखनि जेके केस खे पढ़नि, सम्झनि ऐं जेके उन प्रेशर जेको डेवलप थिए थो इम्प्लॉइज़ जो उनखे रोके सघनि। ॿियो जेको अहम इशू आहे उहो आहे द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स। तव्हां हाणे ॾिठो त सिंध जे एक्टिंग केयरटेकर CM, सिंध जे 27 यूनिवर्सिटीज़ जेके पब्लिक सेक्टर आहिनि उनजी फुल लेंथ ऑडिट करण जो ऑडर कयो आहे।
आखिर या नौबत छो थी अचे, आखिर इन का अलावा भी तो बेहतर नमूने कम कर सकजे थो ना। छो भला पंजाब के यूनिवर्सिटी की ऑडिट इन नमूने नथी थे जो असा यूनिवर्सिटी ला चाहूं था पिया। इंतहाई संजीदा गाल आ है। हाने सवाल ही पैदा थे तो जैसे सर्च कमेटी इश्तिहार दे थी वाइस चांसलर्स के सिलेक्शन जो तो उनके महदूद छो तो कर वे यो लाजिमी है छा तो कें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के उनो ही मानो एकड़ो वाइस चांसलर थे। मां जो तजवीज़ ठाई है जका इवेंट का मोकिलस गवर्नमेंट दे मां चाह तो एडवर्टाइजमेंट कयो एंड सिलेक्ट द पर्सन द राइट पर्सन इंटरनेशनली। पाकिस्तान जा इंतहाई काबिल मानू सजी दुनिया में कम कन था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। गिव देम गुड पैकेज उन नौजवान के उन मेहनत वारन के उन के जानो के उनके घुराए तहां पांजो यूनिवर्सिटीज़ उन जे हवाले कयो। हाने तो कंडीशन इया है तो जो को यूनिवर्सिटी जो रजिस्ट्रार है जो को कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है उनकी सिलेक्शन भी यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर या उनकी जो है तंजीम वगैरह जो कुछ है मां नालो थोड़ा उधर कर पाया। छो छो न भला जो को मानू तक मिले तो कॉम्पिटिटिव मानू को ओपन मार्केट में मिले तो को प्राइवेट सेक्टर में मिले तो उन्हें खड़ी अचो न तक आखिर खौफ कड़ो आ। तेखा पोए वंस द वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड हू एवर ही आशीस ओके कें भी सबब करे तवा उनके अपॉइंट कयो पर ता उनके कोई हफ्ते खरें जी ट्रेनिंग त दियो अकाउंटिंग में उन्हें खबर तो पवे भला जेके असांजा सेक्रेटरीज ए सीएसपी ऑफिसर वजन था अगते कन था पिया उन्हें भी तो अकेडमीज में ट्रेनिंग थन थी वे भी तो मुख्तलिफ नीपा जा रिफ्रेशर कोर्स कन था पिया। आई एम अ पी एच डी फ्रॉम अ फॉरन यूनिवर्सिटी बट इट डजेंट मीन डेट आई विल बी द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आर आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन फिनेंशली। फिनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो यूनिवर्सिटीज में ए बोर्ड्स में आए ही को कंखे का खबर ही कान् जैसे इतने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मां ब भेरा व्युस तो उत जैसे मां मेंबर जहाँ सवाल पुछा डिठा पांजे वाइस चांसलर का पुछंदे त हर वाइस चांसलर कंध फेराए पांजे डीएफ के दिसे पे तो बाबा इन जवाब दे बाबा यो छा था पुछन। ये शयूं असांजे यूनिवर्सिटी जे वर्किंग ते तमाम घणो असर कन थियूं त ये जेकन से की कजन। थैंक यू सर। सर टाइम घट है तड़ी सुठी सजेशन्स दिनों तमाम डिटेल में एक आखिरी सवाल मां यसरा का पुछंदस असि गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम चीरीन देस। यसरा तसो जो अर्बन में जो खवातीन या छोकर उनकी सूरत हाल लिटरेसी के हवा से काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू गर्ल्स इन विलेजिस। यो बिल्कुल तां सही था चो मां पर्सनल कैपेसिटी ते भी मोबिलाइजेशन ते कम कया पई है मां यो डिठो है ते जेके उतां जा पेरेंट्स हुंदा आहिनि सिर्फ बारन के ना बल्कि पेरेंट्स के मोबिलाइज करण जी तमाम घणी ज़रूरत आहे त हू पंहिंजे न्याणियुनि खे स्कूल मोकिलिन ऐं पंहिंजे पुटनि खे बि उहे घटि मोकिलनि था छाजे करे उन्हनि जे लाइ हू जेको आहे अर्निंग हैंड्स हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे जॾहिं हू स्कूल मोकिलनि था त उन्हनि जे लाइ जेको फाइनेंशियल सिचुएशन उहा काफ़ी बदतर थी वेंदी आहे त तव्हांखे छा थो लॻे त उन्हनि पेरेंट्स खे कीअं मोबिलाइज़ करे सघिजे छो जेके असांजे ॿाहिरियाड़ी में रहनि था। अच्छा सभिनि खां पहिरीं तव्हां तव्हांखे ॿुधायां त जेको सवेल मूं एतिरो रेशो ॿुधायो थोरो ॾुखारो हुयो हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त जेको सभिनि खां वधीक अगरि प्राइमरी एजुकेशन ते असां ॾिठूं त बिल्कुलु जेका बुनियाद आहे न उहा प्राइमरी एजुकेशन आहे उन में तव्हांखे रेशो छोकिरियुनि जो सुठो नज़र ईंदो। जॾहिं जॾहिं उहो वधंदियूं थियूं वञनि सेकेंडरी जी तरफ़ हायर सेकेंडरी जी तरफ़ त उहो रेशो तमामु वापसि ऐं चवंदसि त ॾुखारो थो अची वञे। जॾहिं उहो यूनिवर्सिटीज़ ताईं पहुचनि थियूं त उहो रेशो अहिड़ो आहे जो ॿुधाइण जोॻो कोन्हे जो की माइट हुननि खे अलाउ ई नथा कनि
तो मैट्रिक ताई थी वे प्राइमरी थी वही प्राइमरी का पो जेका मैट्रिक एजुकेशन है उन्हें जी चलो कुछ माइट मैट्रिक ताई राजी थी ता वन कुछ इंटर ताई राजी थी ता वन बट जेका यूनिवर्सिटी वारी सिचुएशन है बिकॉज बीइंग एन एडवाइजर ऑफ माय डिपार्टमेंट जिते आऊँ गर्ल्स काउंसलिंग भी करनी आया छोकरिन जा मसला दिसंदी आया तो आऊँ समझंदी आया तो उहे माइट जेके छडीन भी था न उहे भी हर वक्त हिकड़े गणती जो की हालत में समझो तो हुंदा आहिनि मतलब ढो सोशली हिकड़ो अड़ो एनवायरमेंट थी वो है न्याणियुनि जे लाइ जो माइट छडींदे एजुकेशन ताई भी इलाही जेको चइजे सो खतरनाक सिचुएशन आहे इन खां अलावा तव्हां जेका चयो मोबिलाइजेशन जी त माइटनि खे कीअं कजे ॾिसो इनिशियली जेको ॾिठो वञे सिचुएशन आहे उहा फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आहे हाणे तव्हां माइट खे चवंदा त असां ॿार जो स्टाइपेंड तव्हांखे ॾियूं था जीअं अमूमन थिए थो कुझु हंधनि ते अगरि उन्हनि खे स्टाइपेंड मिले थो या हुननि खे कुझु सहूलियतूं मिलनि थियूं त माइट ख़ुशी सां उन्हनि खे प्राइमरी ताईं मैट्रिक ताईं या इवन यूनिवर्सिटी लेवल ताईं बि हुननि खे पहुचाईनि था जो की हिकिड़ो हुननि जो जेको कॉन्स्टेंट आहे न बैरियर आहे फाइनेंशियली उहो कंहिं हद ताईं कंट्रोल में थी वञे थो बाक़ी जेको ॿी जेका शइ अचे थी उहा अचे थी अवेयरनेस सां स्टाइपेंड मिली विया कुझु माली हालात बहितर थी विया माइटनि में थोरी घणी अवेयरनेस अची वई त माइट पंहिंजे औलाद खे राज़ी थी था वञनि पढ़ाई जी तरफ़ राग़िब करण ते पर अगरि जे फाइनेंशियली पोज़ीशन्स बि ख़राबु आहिनि अवेयरनेस बिल्कुलु न आहे ऐं जेके मां सॉरी टू से स्कूलनि जी हालति सर बि ॿुधाई आहे मां पाण बि अगरि उन ते सर्वे कयो आहे त उन्हनि में प्रॉपर इवन फीमेल्स लाइ वॉशरूम्स कोन्हनि न फीमेल्स टीचर्स लाइ न फीमेल स्टूडेंट्स लाइ ऐं उन खां अलावा कुझु स्कूल्स अहिड़ा आहिनि जेके शेल्टरलेस आहिनि उते छित कोन्हे उते फर्नीचर कोन्हे त ॿार अगरि हू पढ़णु वञनि बि त किथे वेही पढ़नि सुवालु आहे मुंहिंजो इहो सभिनि सां त किथे वेही कीअं तालीम हासिलु कजे उहो अॻे वारो दौरु हुयो त स्लेट ते बि लिखिजी वेंदो हुयो पर तंहिंजे बावजूद बि मां सर खे थोरो करेक्ट कंदसि त अॼुकल्ह जेका सभिनी खां वधीक सब्जेक्ट जी ॼाण आहे ॿारनि में न उहा सिंधी ऐं उर्दू आहे कंपेरेटिवली मैथ ऐं इंग्लिश खे जिते असां ॾिसूं था त उन में सिंधी ऐं उर्दू ॿार वरी बि पढ़ी सघे थो पर ग्रेड थ्री जो ॿार वरी बि तव्हांखे रूरल एरियाज़ जा तव्हांखे अंग्रेज़ी में हिकिड़ो जुमिलो ॾाढो ॾुखियो पढ़ी ॾेखारींदा इहा त असांजी सिचुएशन आहे सिंध में तालीम जी जेको पाकिस्तान जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस आहे अच्छा उन खां अलावा आउं चाहींदसि त जेके नथा माइट जिनखे मोकिलीन उन में अवेयरनेस अचणु घुरिजे उहो अवेयरनेस सेशन्स कराइणु घुरिजनि इधर गवर्नमेंट कराए या बीइंग अ सिटीज़न इहा असांजी बि रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त असां बि इन शइ खे मोबिलाइज़ेशन जे थ्रू अवेयरनेस फैलायूं अर्ली चाइल्ड मैरेजिस जेके थियनि थियूं दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न जंहिंमें असांजूं नियाणियूं तालीम हासिलु नथियूं करे सघनि खेॾण कुॾण जी उमिरि में हुननि जे हथनि में ॿार था ॾिजा वञनि त उहो त बिल्कुलु बि इहो आहे ई कोन त उहो तालीम किथां पिराईंदियूं हिकिड़ी जॾहिं मर्दु पढ़े थो न त हिकिड़ो फ़र्दु पढ़े थो औरत पढ़े थी सॼो ख़ानदान सत पीढ़ियूं पढ़नि थियूं हुन जूं त जॾहिं औरत जी तालीम ते ई तव्हांजो एतिरो ध्यानु कोन्हे त तव्हांजी जनरेशन त बैकवर्ड थींदी ऐं जिते आहे त उते तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त केतिरियूं सक्सेसफुल शयूं हैंडल थी थियूं वञनि जिते नथियूं थियनि त उते काफ़ी सारा अहिड़ा बैरियर्स आहिनि अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खे असांखे हल करिणो आहे अवेयरनेस प्रॉपर हुजणु घुरिजे नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट सेक्टर खे आउं चवंदसि पर बीइंग अ सिटीज़न आउं चवंदसि त हर को इन ज़िमेदारी खे खणे त जिते जेतिरो असांखां थी सघंदो असां उन शइ खे अवेयर कंदासीं असां उन्हनि पेरेंट्स खे अवेयर कंदासीं त पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ायो तालीम खां सवाइ ऊंधाहे आहे ॿियो कुझु बि न आहे थैंक यू सो मच यसरा बिल्कुलु तव्हां सही चयो त जॾहिं छोकिरी पढ़ंदी आहे जॾहिं औरत पढ़ंदी आहे त सॼी क़ौम पढ़ंदी आहे इन सां ई असां पंहिंजे हिन पैनल जो इख़्तिताम कंदासीं ऐं मैडम खां राय वठंदसि मैडम कुझु सेशन जे हवाले सां चवणु चाहिनि या कुझु एड करणु चाहिनि प्लीज़ मैडम मूंखे वक़फ़ो था ॾियारनि मुंहिंजो इलाही वक़फ़ो थी वियो मुंहिंजे ख़्याल में जी जी वरी अची वेंदो सॉन्ग अगरि मूंखे ॻाल्हाइणु ॾियो त बहितर थींदो अगरि मूंखे ॻाल्हाइण जी मैडम सच ॻाल्हाइजो जी सच ॻाल्हाइजो चलो इहो बि जेको आहे न सो अगेन ऐं शुरू हितां ई कंदसि त मुंहिंजे ख़्याल में असां
पहली तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो भी होंगे उन्होंने आई डोंट वॉन्ट टू अच्छा मेहरबानी तीन जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के तक कें भी सेशन में घुराइंदा हो तो मुझे ख्याल में जो ना सो या तो अस उन डिफेंसिव कर छींदा या अस उन बारे में पंजी राय जहन में पहले पैदा कर छींदा तो वो जो भी गलो या गाली वो या कूड़ हों उन में कें भी किस्म की सच्चाई को होंगी या वो जो चवन वो पॉलिश्ड हों या जो भी वो चवन पाँच जिम्मेदारी बे हंध ट्रांसफर ये असो रवैया जनरल एक रवैयो है मुख्य 31 साल नौकरी में थी वहाँ ये महसूस कन्दी आया इन कर अक्सर बेशतर दोस्त अहबाब से जो गुफ्तगु थी तो मुझे तरफा यो हमेशा कॉमेंट हों फोरम से भी गाल चवन तो स्पेस ढी घट आ जैमें गुफ्तगु कजें वह ऑब्जेक्टिव गुफ्तगु कजें छो तो तुम सब पैं जहन टाइ छा तो जो अगलो मू गल या वो कूड़ हों बकवास होंगी या जो ना सो ये मू जो है वो गल तो वो सरकार के डिफेंड तो करे ये को तालीम से वापस अचूँ था जो जो सेशन है इशूज चैलेंजेस सभी का बुनियादी इशू तालीम जो है अस पान सब जिन तालीम के समझो आभिनी के अचे थी तो तालीम चाहिए डॉक्टर जैसे असें तकलीफ थी तो एक स्पेशलाइज डॉक्टर दे वा अखबार दे वा अगर किडनी की तकलीफ आ तो यूरोलॉजिस्ट हलया वासी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हलया वासी गायनोकोलॉजिस्ट हलया वासी पर माशाला के करे तां एजुकेशन तो गुफ्तगु के लिए चवन तो असें सब पैं पण में सब पैं पान के यो समझा तो असं सब तलीम से ाल सूँ था यो सभी का वो बुनियादी मसलो तेजे करो एक्सपर्टीज आब्जेक्टिविटी आ उन सिस्टम के उन समाज के रवैयन के तालीम के तरफ रागिब करण की अस समझ का कासिर सभी का वो बुनियादी मसलो हो अस तो थे इन के नतीजे में तो केदी माल अस का गाल केदी माल अस का गाल पॉलिसीज कें भी अवामी फोर्स से बैक्ड को होंदन ते करो असर विञाए छींद अस प्राइमरी एजुकेशन की गाल कई हिस्ट्री पढ़ो थोड़ा 80s का वी इंटरनेशनल स्लोगन हो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सब लही पियासी वो 1% 4% असें ख्वाहिश आ तो खुदा करे तो GDP भी ओतरी बधे वो उन GDP 4% भी लगे पर जो भी असो लग सो अस प्राइमरी एजुकेशन से लगे छोड़ो यूनिवर्सलाइजेशन के अस क्या हर गोठ में एक बे चार एक कमरे वा छो तो भरसा हों बारू उते वही पढ़ंद अस ये 25 साल गुजारे छाया ए जैसे अस किताब हाँ खोले दिसूँ था 42,000 स्कूल जैमा 32,000 ताना एकड़े कमरे जा स्कूल हाँ उन स्कूल में जैसे मुझे तालीम को या स्ट्रक्चरल ड्रॉप आउट आ तो जैसे 32,000 प्राइमरी स्कूल हों उन जाए ते 3,000 3,500 या 4,000 ताना मिडिल का वी मैट्रिक तीन स्कूल हों तो जे उन 32,000 स्कूल में अज यो सोचो तो सब जहाँ सब बार पढ़न था जैसे निकरंदा तो उन्होंने लग ओतरा स्कूल ही असा को ठाकूँ अस 25-30 साल उ पॉलिसी ठाकूँ जैसे कर वो स्ट्रक्चरल ड्रॉप आउट थो तो हाँ जैसे कंसॉलिडेशन की तरफ वना थी तो मुख्य जो प्राइमरी एजुकेशन वो फोर्स आन पास छिके तो जो सेकेंडरी वो फोर्स आ वो उतें छिके तो ए बैकिंग ए वॉयस है को छो तो असो एजुकेशन अस गुफ्तगु की हद तक तो समझू था पर यो मुआशरे जो मसलो थी को सको तो यो मुआशरती मसलो आने बटे बया मिसाल भी दई इन समझाइंदम तो अस गुफ्तगु कह पर ये को हाँ वे नॉन वायबल स्कूल जो मल्टीग्रेड स्कूल जो स्कूल नथा थी सकन घट आबादी वन 100 घर का या 50 घर वन में तो तां टीचर मया कयो था टीचर पुजे कोन थो उते उन वो तां के पांजी जस्टिफिकेशन जी लिस्ट बेरी चंदा तो वो उते छो नथा वनी पढ़न पुठे दौरे हुकूमत में तां डिठो हुंदो उन्हनि वादो कयो त असां 5,000 स्कूल नवा जेके असां IBA जी टेस्ट जे ज़रिए भर्ती कया आहिनि असां खोलिया आहिनि ऐं सुबुह जो 9:30 बजे पंहिंजे ऑफिस में ईंदी आहियां रोज़ानी तक़रीबन एट एन एवरेज राति जो 9:30-10 बजे ऑफिस में न उथंदी आहियां ऐं मुंहिंजी काई बि कैंप ऑफिस कोन्हे की मां 7 सेप्टेंबर ते हिते जॉइन कयो आहे पर मूं वटि 100 माण्हू जेकॾहिं रोज़ ईंदा आहिनि
तो उन्होंने मना पंजा मानू यो टीचर यो चवण जलाइना त मुखे 40 किलोमीटर परे वनणो तो पे पढ़ाने जला तने करे मुखे एयरपोर्ट ते स्कूल आए ता कराची अर्बन जदी गाल कई त एयरपोर्ट ते मुजी राज सचल गोठ में मुजी उते सचल गोठ में पोस्टिंग करे मा एयरपोर्ट न थो वनी सके मर्द औ औरत नि गाल न थी किया रूरल एरिया में तो अना भी जो सूरत हाल भी तो बार नंढा असा ही मसलो आ ख्वाहिश करण तो टीचर पुजाए छन वो थी वह पोची वह 62,000 टीचर भर्ती थी वह हाँ उनके पुठा मॉनिटरिंग की टीम भी लगे छो वह एब्सेंट भी करार दई छी मां उनके शोकाज नोटिस भी दई छींदस इन सभी एक्शन करण से तालीम इंदी जैसे तालीम अचे थी तो ठीक है ये सब करण के लिए तैयार हूँ तो जो असो रवैयो आ तालीम के तरफ उनके ठीक थियणो पवो तदें किरदार अदा करो पव जैसे पहरी जो जैसे पढ़ाण आ पढ़ाने जो कम करणो आ जैसे सप्लाई साइड जहाँ इशूज के रिजॉल्व करणो आड़ी वॉयस त असा सब तालीमी माहिर को तेरे एजुकेशन के उन नजरिए से दिखारण के लिए जबरदस्ती बंद करण खपे तो तालीम के हिं दिस मां चवां थो या चवां थी ये कोने को प्रोफेशनल एजुकेशन की मैं तक मिसाल दई छा तुम ऐसो वही तो सड़ू मेडिकल कॉलेज हुआ जो अजकल यूनिवर्सिटी सब डिक्लेयर थी व्यून वही ऐसो तुमने क्लासरूम्स में तादाद गणियों तो छोकरा घणा छोकर घणियों ए तुम सिस्टम में वही ऐसो तो घणी छोकर जो सो कम कन थी घणी छोकर कम नियो उन्होंने मत मिलियंस खर्च थन था बट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन टू एनी सोसाइटी एनी हॉस्पिटल एनी एजुकेशनल एफर्ट वो न थी थियन तेरे करे जो जेंडर जो भी पहलू आ उनके दुरुस्त तरीके से दिसण की जरूरत है यो सिर्फ स्कूल ताई पुजाण कोने को पढ़ू छाजे ला था तालीम छाजे ला माशरे के ठीक करण के ला माशरे के कदरन के बेहतर करण के ला माशरे जो एकड़ो बेहतर रुकन पैदा करण के ला कंट्रीब्यूटरी किरदार अदा करण के ला न के मुख्य मेडिकल कॉलेज की ड्यूटी नौकरी खपे तो जो मुझे रिश्तों के चंगी जाए ते थे यो समाज रवैयो आ जैसे पसंद न बीहे तो अचे तो यह रियलिटी आ असा के मननी पवी आ गाल असा के वे प्रेशर छड़ना पवंदा आऊं तां के डायरी में लिस्ट भी कढ़ी दई सकां थी तो जो अस केर केर केंजे केंजे बदली के ला किए किए अची प्रेशर विझे तो कें कें चवे तो नौकरी न करण के ला हीला बहाना कड़ा तो ओवरऑल गवर्नेंस ओवरऑल माशरे जो रवैयो ये सब मिली कर तालीम के हेठ कर में इन सो किरदार कोने को तेज कर जैसे रिजॉल्व से इंदी तो इन्हीं सभी स्टेक होल्डर्स के पानों किरदार अदा करो पव अकेलो यो कम नथो थी सके हमेशा जी मल भी एजुकेशन की गुफ्त जैसे गुफ्तगु थे थी तो मदद से असा हमेशा नेगेटिव लेंस पाए न ऐसूँ असा चवण में चई वा तो जो है सो हाँ कुछ कम चंगो पो थे घणो कुछ कम चंगो पियो थे इएं कोने को तो कोन थो पियो थे या गवर्नमेंट ऑफ सिंध जैं एतरी जेका क्योस आ कन्फ्यूजन आ 19 मिलियन बार सजे पाकिस्तान में बाहर आहिनि सभिनी सूबनि जो मसलो आहे जे क़ाबिल फ़ख्र बिल्कुलु बि ॻाल्हि कोन्हे की पर मूं तव्हांखे उनजो स्ट्रक्चरल ॿुधायो इशू त उहे इन जे करे ॿाहिरि आहिनि उहे विलफुल कोन्हनि खे हाणे इहो सॼो इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्लाइमेट जो जेके कंडीशन्स अचनि थियूं हाणे 2022 जी तव्हांजी बोड आई उन 40,000 मां 20,000 तव्हांजा पार्शली डैमेज आहिनि ऐं 8 खां 9,000 जेको आहे सो तक़रीबन सफ़ा बिल्कुलु कंप्लीटली डैमेज थी विया वरी उहो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिणो आहे वरी उन्हनि ॿारनि खे वठी अचिणो आहे त 2010 जी बोड 2019 में 2018 में 2022 में असां क्लाइमेटिक कंडीशन्स खे मुंहुं पिया ॾियूं रिज़िलियंट स्ट्रक्चर्स असांखे ठाहिणा आहिनि यूनिवर्सिटियूं असांखे सां गोलाबरेट करिणो आहे उहे डिज़ाइन्स मल्टीपल डिज़ाइन्स असांखे लोकास्ट खां वठी रिच जेको आहे न सो इंफ्रास्ट्रक्चर ते असांखे वञिणो पवंदो मल्टीपल ऑप्शन्स ते ऐं हिकिड़ो समाज जो मुसबत रवैयो त जेको एफर्ट थिए पियो उन में आल इज़ बैड जो आंसर कोन्हे को सभु ख़राबु आहे ईअं कोन्हे को गवर्नमेंट ऑफ सिंध टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी ते कमु करे पई करिकुलम असेसमेंट जी विंग आहे स्लो कमु करे थी एजाज़ साहिबु तजवीज़ ॾिनो डॉक्टर साहिबु चवनि पिया त कुझु तजवीज़ सरकार खे मोकिलींदा दे आर मोर देन वेलकम एज़ लॉन्ग एज़ माई सेल्फ इज़ कंसर्न या इवन मां कंहिं ॿी डिपार्टमेंट में मौजूदु आहियां त असां वॉइस में असां वॉइस मिलाईंदासीं टी ॻाल्हि त एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइज़ेशन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन्स
जितरा 4.8 मिलियन बार अगर पब्लिक सेक्टर के सिस्टम में तो यो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 4 मिलियन बार सेंसस भी असा कई है तो असा 11,000 प्राइवेट स्कूल आज जैमें 4 मिलियन बार पढ़न था उ सिंध धरती जहा बार तो यो चवण तो तालीम सब तबाह थी वही ये सफा कोने को हाँ उनमें इलाही इम्प्रूवमेंट की जरूरत आ रवैयन के तब्दील करण की जरूरत आँ पुठे हफ्ते में सखर में विजिट कर आई आया जिते आईटी में कंप्यूटर पाया हुआ पर इस्तेमाल को थन तेड़ी लेवल ते वही मॉनिटरिंग करण की गाल था आईटी जो टीचर भी वेठो आ जो को क्लास न तो वे उनके सस्पेंड कर छिंदम तो सस्पेंड करण से टीचिंग क्वालिटी अची वी लेट्स प्ले अ रोल एज सोसाइटी टू इनकरेज एंड गिव पुश टू एजुकेशन उन ही समाज में आऊँ हाँ यूएसए के तावन से स्कूल हो उन इफ्तताह हो जैकबाबाद में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अब्दुल्ला पमर उन स्टेट सेक्रेटरी बार हो जो उन गोठ जो बार हो उन सारी कार्रवाई अंग्रेजी में हलई वो जैकबाबाद हुई असा इलाही मूँ जो शायद सोचिंदा भी को होंदा जैकबाबाद तस्वर में इंदी इंदे ही कभी कभी इलाही गालू जरगाहों वाले कड़ी कड़ी गाल जहन में अची वी हूं पर उन पार अध कलाक तीन मॉडरेटर हो एंड ही स्पोक ओनली इन इंग्लिश ही स्पोक वेरी क्लेवरली एंड क्लियरली टू एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स कन्वर्जेशन कई उन पब्लिक सेक्टर जहा बार हुआ प्राइवेट जहा को हुआ बार पर अड़ी कई भी शूँ मीडिया में को दिठी हाँ उत यो जरूर इन सेक्रेटरी एजुकेशन जो है माई के वेडलॉक पॉलिसी में बदली कर छो माना उन पॉलिसी जो धजू उड़ा छो अड़े किस्म की लैंग्वेज अची वी पर नेवर माइंड अड़ी शन तालीम जो मसलो समाजी मसलो आ समाज के मसले के निकड़ो डिपार्टमेंट निकड़ो सेक्रेटरी न हिकड़ी गवर्नमेंट हल करे सके थी उन जे ला पब्लिक प्राइवेट बई गजी ए असा जेके सान्या वंद तवा हेता गाल या भी आई ना तो कासिमाबाद इज हैदराबाद उन जा पखा जेके लही था वनन ए गोठ जे में कायम कयल स्कूलन जो या शहर जे इलाकन जे स्कूलन जो दरियूं केर कढी थो वने दरवाजा केर कढी थो वने तो मास्टर जी जिम्मेदारी किथे है तां 46,000 स्कूलन जो मथा सर्विलेंस कैमराऊं आणंदो या असांखे इहो करणु खपे त मास्टरो पंहिंजो रवैयो जी मालिकी करे त ही स्कूल असांजा आहिनि जिते असांजा ॿार पढ़ंदा असांजी तवजा सर्विलेंस कैमराउनि ते रुगो हुजणु खपे रवैयनि ते न हुजणु खपे त इहे सॼा क्वेश्चन्स आहिनि जेके असां सभिनि जे साम्हूं आहिनि ऐं इहो हिकिड़ो ड्रिघो सफ़र आहे इहो मथे जो सूरु कोन्हे जेको पैरासिटामोल जी गोरी खाइण सां अधु कलाक में लही वञे यो जनरेशन जो सफ़र है असानी डिटोरिएशन में जितरा साल लगन असा के मथे थियण में भी ओतरा ही साल लगंदा ओ तदें मुमकिन आ जैसे अस सब गजी कम कर थैंक यू सो मच मैम बिल्कुल यो जो है सिर्फ गवर्नमेंट जो कम ना है असा के एज अ पब्लिक एटीट्यूड भी सही करणो पवंदो सवाल नथा वठी सको टाइम ना है असा वट पर मुझे ख्याल में तो जिते असा इम्प्रूवमेंट की गाल क्यों था तो उते असा जका तमाम बुरी जो सूरत हाल है उनके भी अस इग्नोर नो करे सकते इम्प्रूवमेंट अगर आवाम ए गवर्नमेंट बई मिली करे कोशिश कर तो जरूर अची सके थी असे पाड़े में अड़ा खोड़ सारा एग्जाम्पल्स आज जिते तमाम घनी इम्प्रूवमेंट तमाम थोड़े टाइम में आई है सभी स्पीकर्स जो शुक्रिया अदा कदस थैंक यू सो मच तुम टाइम कटो ए सीटन से वही सोता नेक्स्ट जो है अस प्रेजेंटेशन्स असा वट प्रेजेंटेशन्स ढी खुशी थी जैसे असन सिंधियन न्याणियों के पढ़े लिखे इंडिपेंडेंट दिसंदा अस अड़ा ब एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और दावत दींदस डॉक्टर मरियम हया टालपुर के शी इज़ डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन्स डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची सिंध फूड अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध असि बी गेस्ट है निशा घुमरो कलवड़ She is CEO and founder of Scepter College and the Royal Colseum Institute of International Studies. Ghat hai, so I'll ask one question from each guest. Nisha. Mariam.
मरियम, पहले मैं आपसे तहां का पहली सवाल पूछंदस। मरियम जेका है शी स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स एंड देन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट, कें भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में न पढ़ी आन, शी इज़ अ डेंटिस्ट ए सी एस एस क्लियर किया है। तो मरियम का उनकी जर्नी पूछंदे, जनरली असा वट यो कॉन्सेप्ट है तो जे बार प्राइवेट स्कूल्स में पढ़न था उन्हें अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल वह ग्रूमिंग जो है वह डिफरेंट होंगी है, सो वही अगते वधी सकन था। पर मरियम जो है शी इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल, सो इनकी जर्नी के बारे में पूछंदे, अगर कुछ बया टिप्स देन चाहे असा वट इतने खोड़ सारा बार मौजूद हैं, प्लीज मरियम। थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, जो इंसान की पैंजी इंडिविजुअल जो डिज़ायर होंगी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक जो मुझी जर्नी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शे है वो मुझी पांजी स्ट्रगल है, मुझी पर्सनल स्ट्रगल है। माई फैमिली वॉज अगेंस्ट माई एजुकेशन, आई स्ट्रगल अ लॉट, इवन फ्रॉम प्राइमरी टू गो इन टू सिक्स आई स्ट्रगल्ड, एंड देन फ्रॉम क्लास एट टू गो इन टू क्लास नाइन आई स्ट्रगल्ड अगैन, एंड देन फ्रॉम मैट्रिक आई अगैन स्ट्रगल्ड, बट देन फाइनली आई क्वालिफाइड एंड आई स्टडीड फ्रॉम लम्स। उन 2015 में आई क्वालिफाइड सी एस एस, एंड वैन आई वॉज अंडर गोइंग ट्रेनिंग उते वॉल्टन में, तो मूसा गड ऑक्सफर्ड जा ग्रेजुएट भी हुआ, मूसा गड कैम्ब्रिज जा ग्रेजुएट भी हुआ, आईवी लीग जा ग्रेजुएट हुआ, एंड आई वॉज सिटिंग विद दैम, एंड मुख्य बिल्कुल फील कान थो तो आऊँ उन्होंने का कें लेवल में घट आया, छो तो मुझी पानी पर्सनल कन्वेंशन हुई, कन्विक्शन हुई तो मुख्य अग्न वधणो है, मुझे करणो है, मुझे हालांकि मुख्य फैसिलिटीज को हुई, बट असाजे मुल्क में एडी अंधेर नगरी को, अगर को बार आई एम फ्रॉम बदीन, अगर को बार मेहनत करे अग्न वधन चाहे तो डेफिनेटली किथे न किथे वो पैं जगह ठाए वो है। मुझे तो एक एग्जाम्पल है, बट मुझे बैच में अड़ा काफ़ी सारा हुआ, एक हारी जो पुट हो, एक पी एस टी टीचर हो, बट हाँ वो एस एस पी लगा पे डिस्ट्रिक्ट में। मुख्य लगे तो एक इंसान की पैं पर्सनल एकड़ी स्ट्रगल होजन खपे। मुख्य कदें मुवाफिक माहौल को मिलो बचपन का वी, मे बी यू कैन से लक मुझी साइड से हुई, बट मुझे याद है आई वॉज लीस्ट इंट्रस्टेड इन इंजॉइंग माई लाइफ लाइक चिल्ड्रन, आई यूज टू स्टडी अ लॉट एंड देन पेड मी ऑफ इन द एंड। आई थिंक लक कुछ भी ना होंगे, यो मेहनत है, काफ़ी काफ़ी मेहनत है। अच्छा निशा मां पेनी सिंधी में सवाल कंदस, पर आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। मुझे निशा का यो सवाल है तो हाँ ऐसे तो शहर के जो है कुंड कच्छ में जाते काथे नंडा नंडा प्राइवेट इंस्टिट्यूट्स खुलिया पायान, जेके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वांगुर वो माहौल प्रोवाइड नथा करे सकन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वांगुर उनमें खोड़ सारा डिपार्टमेंट ना हैं, वड़ियों यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स तुम खोड़ सारी डाइवर्सिटी होंगी है, वह सोशल ग्रूमिंग नथा प्रोवाइड करे सकन, तो उन चवंद निशा, लाइक वी हैव मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन एवरी कॉर्नर ऑफ सिटीज दीज डेज, एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कंसिस्ट ऑफ फ्यू रूम्स, सो डू यू थिंक दैट दे कैन प्रोवाइड द सोशल ग्रूमिंग टू द स्टूडेंट्स, लाइक द बिगर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैन प्रोवाइड हु हैज़ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स ओवर देयर? Hello, Assalamu Alaikum everyone. First of all, thank you for having me here. I think it's a great initiative ke sab Sindhis apne culture ke bare mein aur apni bahut unfiltered aur real stories yahan pe aake share kar rahe hain, kyunki actually bahut hi real problems hain education related. I think aapne aake ek cheez boli thi ki agar aap ek progressive country mein dekhen कि क्यों वो प्रोग्रेसिव है, तो इट्स बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और मेरा भी एक्चुअली यही कुछ सिमिलर स्टोरी है। आई एम सॉरी मैं सिंधी में बात नहीं करती, लेकिन आई डू कम फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, माय फादर कम्स फ्रॉम सखर एंड आई एम मैरिड इनटू अ फैमिली ऑफ सिंधीज फ्रॉम गोटकी एज वेल। और मैं जब 16 साल की थी तो मेरे फादर से मैंने एक प्रॉमिस लिया था कि मुझे आप अकेले मुझे लंदन पढ़ने जाना है और आप मुझे लंदन भेजेंगे, मुझे अपना ए लेवल यूनिवर्सिटी वहाँ से करनी है। एंड एट दैट टाइम ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। मेरी पूरी घुमरो की फैमिली में बहुत आई थिंक 20,000 घुमरोज थे मेरे विलेज में, जिसमें से कोई भी कभी बाहर मुल्क लड़का तक पढ़ने नहीं गया था। सो इट वॉज़ अ बिग डिसीजन। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से सीखेंगे कि एजुकेशन एक्चुअली क्या है, द
तभी आप वापस आके अपने मुल्क में वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे. अभी जो वीडियो चली थी, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू, आप लोग ने वो वीडियो देखी, वो पूरा फ्रॉम स्क्रैच मैंने लंदन से आके 12 साल लंदन में बिता के ये चीज़ बनाई थी. क्योंकि मेरा पहले विजन ये था कि काश मैं ये एजुकेशन अपने मुल्क के बच्चों को दे सकूं और स्पेशली हमारे सिंध के बच्चों को मैं दे सकूं. क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी, मैं कराची के बहुत अच्छे स्कूल में जाती थी, बेवियो एकेडमी में, वहाँ पे लोग समझते थे कि मैं एक अनएजुकेटेड फैमिली से आती हूँ क्योंकि मैं सिंधी हूँ. वहाँ पर सिंधी बच्चे थे ही नहीं मेरे स्कूल में. फिर मैं जब स्कूल ओनर्स को देखती थी तो या तो पारसी थे या क्रिश्चियंस थे, सिंधी ओनर्स ही नहीं थे किसी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में. मैं जब वापस आई, मुझे ये जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का जो अभी मैडम प्रीवियसली बैठी थी उनने बात की, मैं ये करना चाहती थी, बट अगेन दैट्स नॉट ईजी. सो आई डिसाइडेड कि लेट मी स्टार्ट समथिंग जो मैं खुद से करूँ. लेकिन सेप्टर कॉलेज जो अभी आपने पूरा देखा है, वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जो वहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है स्पेशली सिंध के बच्चों के लिए, वो गवर्नमेंट फ़ी स्ट्रक्चर है. सो जैसे आप हमारे पास आते हैं, और यही हमारा विजन था, जैसे ही जो बच्चा आता है, और मेरे पास 60% स्टूडेंट बॉडी रूरल सिंध के एरिया से आती है, तो ये जो आपने सब बच्चियाँ बच्चे देखे हैं, ये हमारे रूरल सिंध से आए हैं. मेरे पास बच्चे आते हैं कैडेट कॉलेज पिटारो से, मेरे पास बच्चे आते हैं सखर के सिटी स्कूल से, या मेरे पास बच्चे आते हैं SST राशदाबाद से. और हम हर साल एक बच्चे को अपने फंडिंग पे बाहर मुल्क भी भेजते हैं. सो लास्ट एक हमारा बच्चा लतीफाबाद के एक बहुत छोटे से घर से आया था, और उसको हमने हंगरी भेजा है एजुकेशन करने, स्पॉन्सर्ड बाई सेप्टो. सो द होल पॉइंट वॉज, थैंक यू सो मच, द होल पॉइंट वॉज कि हमारे सिंध के बच्चे, जैसे आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, तो अगर आप 5,000 अफोर्ड कर सकते हैं, आप 5,000 में यही एक्सपीरियंस ले सकते हैं सेप्टर में आके. सो यहाँ पे क्वालिटी आपको बेस्ट से बेस्ट दी जाएगी. और वो इसलिए इनिशिएटिव मैंने लिया है बिकॉज ऑफकोर्स आई एम सॉरी टू से, बट गवर्नमेंट की जगहों पर ये चीज़ें नहीं होती. अभी द बेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन इन अ यूनिवर्सिटी इन सिंध वॉज वेन आई विजिटेड द IBA सखर, एंड आई सॉ द फैसिलिटी एंड आई वॉज लाइक वाओ. और वो रोबोट्स बना रहे हैं और उनके पास इतना कुछ है, लेकिन वहाँ पे अगेन बच्चे जो हैं, लाइक यू नो उन्हें प्रीवियसली मेंशन किया, बच्चे शायद उस चीज़ की इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे क्योंकि उनकी बेस बहुत वीक है. सो आई फील कि हायर एजुकेशन का पूरा अमेलगमेशन तभी होगा जब फ्रॉम स्क्रैच इस लेवल की एजुकेशन दी जाए. ऑफकोर्स हमारी गवर्नमेंट को बहुत चेंजेस लेके आने हैं, और अगर नहीं ला सकते तो हमसे पार्टनरशिप कर लें, हम कुछ ना कुछ कर देंगे. आई थिंक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस इन एजुकेशन. अच्छा, आप ये भी बताइए अपने इंस्टीट्यूट के लिए कि किस तरह के प्रोग्राम्स आप लोग ऑफर करते हैं. तो एक है हमारा A-level इंस्टीट्यूट, जिसमें बहुत से मेट्रिक के बच्चे आके इंटर के बजाय वो कैम्ब्रिज का A-level पढ़ते हैं क्योंकि उसकी एजुकेशन बहुत एडवांस्ड है. और जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें हम बैचलर प्रोग्राम्स देते हैं, लेकिन वो सब इंटरनेशनल अफिलिएटेड हैं. क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं देना चाहती हूँ वो बेस्ट एजुकेशन का है. हमारे मुल्क के कोर्सेज अपडेटेड नहीं हैं, तो जो कंप्यूटर साइंस है इट हैज़ टू बी द मोस्ट लेटेस्ट कोर्स. सो जो कोर्सेज हम पढ़ाते हैं वो है कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन बिजनेस BBA, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, फैशन डिज़ाइन, लॉ UK का लॉ प्रोग्राम सिखाते हैं. सो बहुत सी वेरियस डिग्रीज हैं, अलॉन्ग विद वर्किंग ऑन पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. बिकॉज जब 60% बच्चा आपका सिंध से आ रहा है, आपको क्लासरूम के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो वी वर्क ऑन द एक्सेंट, द इंग्लिश, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, द वे दे वॉक, द वे दे ड्रेस, ईच एंड एवरी थिंग, ताकि जो फाइनल जो बच्चा निकले, वैसे तो हर बच्चा हमारे सिंध का मैं बोलूँगी एक हीरा होता है, लेकिन जब हमारे पास आता है वो थोड़ा सा रॉ होता है, लेकिन जब निकलता है तो इट्स अ पॉलिश डायमंड, यू नो. एंड जो एक और बात बोलूँगी कि जो अब मैं प्रोग्रेसिवनेस देख रही हूँ बहुत के सिंध के फादर्स के अंदर भी, कि हमारी बेटियाँ पढ़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस बच्ची ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है, अनाशा, वो सेप्टर की बच्ची है, और उसके पेरेंट्स भी उसको वही पुश देते हैं जो मेरे पेरेंट्स ने दिया. सो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि अब हमारे सिंधी कल्चर में बेटी को पढ़ाना एक बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. बट येस, अगर हम यूनाइटेड रहें,
क्योंकि सिंध एजुकेशन में हम सिंधियों का नाम सबसे पीछे आता है. तो अगर हम यूनाइटेड होके अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग पे भी काम करें तो फिर हम लोग आई थिंक विल बी अ फोर्स टू रेकन विद इन एजुकेशन. एंड ये इवेंट जो आर्ट लिटरेचर ये जो हमारा कल्चर है ये इन अ वे एजुकेशन से ही स्टेम करता है. सो आई होप दैट वन डे वी कैन बी अ फोर्स टू रेकन विद दिस वेल. थैंक यू सो मच. मैं आप दोनों से मैसेजेस लूँगी कि आप कुछ कहना चाहें, स्पेशली आप CSS के हवाले से अगर कोई टिप्स देना चाहें. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू कि आप लोग हमारी जो सिंधी लड़कियाँ हैं उन्होंने बहुत कम एज में इतने माइलस्टोन अचीव किए. मरियम पहले आप फिर आप. थैंक यू सो मच. यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और मुझसे अक्सर लोग यही सवाल करते हैं CSS कैसे पास करें. मेरा पूरी एजुकेशन जो है वो पब्लिक स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की रही है. बट आई टेल यू के इंग्लिश का अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा हाथ है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना उस पर फोकस नहीं किया जाता. मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, टीचिंग भी की है, मैट्रिक में आके भी बच्चे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रही. कैन यू बिलीव दैट? और वो गवर्नमेंट का बच्चा था. तो जैसे अभी बात की निशा ने कि हम कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है. अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि जब प्राइवेट स्कूल्स की बात आती है तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, स्टेट का काम होना चाहिए. बट आई थिंक वी शुड ऑलवेज लुक टू द बैलेंस साइड. हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए. दुनिया में कौन कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं? कितनी कम कंट्रीज़ हैं. और वो वैसी कंट्रीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है. कूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इरिट्रिया फ्रॉम अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर बिल्कुल रेयर है, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स बिल्कुल रेयर हैं. आई कमिंग फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स बट आई लाइक प्राइवेट एजुकेशन. और मैं चाहती हूँ इन दोनों का आपस में खूबसूरत अमलगमेशन होना चाहिए. निशा बेहतर बता सकती हैं बट वॉट आई विल सजेस्ट कि प्राइवेट एजुकेशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये कर सकते हैं कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. पब्लिक जो टीचर्स हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई हुई होती. तो और जो प्राइवेट, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाती है तो मुझे पता है कि टीचर्स कंटिन्यूसली जो है उनकी ट्रेनिंग होती रहती है. बट ऐसा गवर्नमेंट में कब सुना है? कब गवर्नमेंट में एक तो ट्रेनिंग्स नहीं होती. तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करें. इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट करें कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के बच्चों के इसको, जैसे कहीं कोई विजिट हो गया या कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ कोलैबोरेटिव इवेंट रखें जिसमें आप उनको एजुकेट करें, आपके साथ प्राइवेट बच्चों के साथ पब्लिक स्कूल्स के बच्चे भी साथ में वो उससे वो फ़ायदा उठाएं. और थर्ड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लैकिंग लगती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अभी इससे पहले जो सेशंस हो रहे थे उसमें यही था कि फ्लडिंग हो गई, स्कूल्स तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाथरूम नहीं है. ऑब्वियसली जब टॉयलेट नहीं होगा तो कैसे बच्चे जाएंगे? हर दो चले बच्चा पानी ना पिए, कुछ खाए नहीं, आठ आठ घंटे तो नहीं स्कूल में बैठ सकता ना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई नो प्राइवेट एजुकेशन जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके अच्छी जो कमा रहे हैं वो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करें क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी कम GDP है वो सब कुछ नहीं कर सकते. और मुझे पता है कि जैसे मैडम शीरीन नारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन ने इतनी खूबसूरत बात की, इट कम्स फ्रॉम द बिहेवियर चेंज ऑफ अ सोसाइटी. यू कैनॉट ब्लेम वन एंटिटी दैट ये 100% सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑफ गवर्नमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारी अपना चेंज भी होना चाहिए. और इसके अलावा जो आपने अभी बात की द कोर्सेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, वन मोर क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं जल्दी जल्दी रैप अप कर रही हूँ. एक मेंटल हेल्थ पे एजुकेशन होनी चाहिए, टैक्सेशन पे होनी चाहिए, ये फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए. ये चीज़ें हैं ही नहीं प्राइवेट स्कूल्स में भी, ये चीज़ें नहीं है. अच्छा, वी ऑफर मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट आवर स्कूल अलोंग विद एजुकेशन. यस. एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ को करिकुलर कोर्सेज जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ सफिशिएंसी, कम्युनिकेशन, अदर देन द ए लेवल या अदर देन द कोर्स वी हैव अबाउट 20 सॉफ्ट स्किल्स दैट वी टीच आवर चिल्ड्रन. सॉफ्ट स्किल्स, यस, टू प्रिपेयर देम टू एंटर द रियल वर्ल्ड वंस दे आर रेडी, यू नो. यस. एंड एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शायद पता हो, नहीं भी पता हो, दैट इज़ नॉन डिटेंशन पॉलिसी. नॉन डिटेंशन पॉलिसी ये होती है, इंडिया में इन लोगों ने 2012 में स्टार्ट करवाई. मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट में हो सकती है बट प्राइवेट स्कूल्स कैन डू समथिंग अबाउट इट. वो ये है कि क्लास 8 तक दे डोंट टेक एनी एग्जाम्स. ठीक है, आप क्लास 8 तक ना लें
बेशक आप क्लास फाइव तक एग्ज़ाम्स ना लें, अब ये लोगों के जहन में ये बात आएगी कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो बच्चों में वो कंपटीशन पैदा नहीं होगा, पास कैसे करेंगे जब क्लास एट के बाद वो क्लास नाइन में एग्ज़ाम्स के लिए बैठेंगे तो वो कैसे करेंगे। बट ये सब हमारे पास ख्याल तभी आते हैं जब हमारे पास लैक होता है रिसर्च का, हमारे पास रिसर्च नहीं होती तो हमें ये इस तरह के हमें ख्याल आते हैं। लेकिन जब इंडिया में ये रिसर्च किया गया तो जो मैट्रिक टेंथ ग्रेड के जो बच्चे जो पहले बचपन से एग्ज़ाम देते आ रहे थे उनका पासिंग रेशियो था 78-80%। लेकिन जब उन्होंने वो बच्चे वो कंट्रोल ग्रुप जिनमें क्लास एट तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया था दे परफॉर्म्ड सो वेल, उन्होंने 98% उनका पासिंग रेशियो था। ये वो बच्चे थे जिन्होंने पहली दफ़ा एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि ओवरऑल उनकी सिर्फ उनको रोट कल्चर नहीं था, उनको रट्टा नहीं लगाया जा रहा था, उनकी ओवरऑल एक ग्रूमिंग हो रही थी। एंड आई थिंक एजुकेशन शुड बी एन ओवरऑल ग्रूमिंग। मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया सीएसएस का, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं अभी भी बता रही हूँ कि देर आर सो मैनी थिंग्स देर आई लैक। मुझे टैक्सेशन टैक्स फाइल करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ आती, बहुत सारी मार्केटिंग की कॉमन चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ आती। आई थिंक ये चीज़ें बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए, उनका एक सेल्फ डिवेलपमेंट होनी चाहिए जो आई थिंक यू कैन स्टार्ट इन प्राइवेट स्कूल्स एंड देन विद PPP विद पब्लिक पार्टनर, जो पार्टनरशिप होती है पब्लिक प्राइवेट उसके थ्रू फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक उस इंस्टीट्यूशन में भी ये लेके आ सकते हैं। तो ये मेरी कुछ पॉइंट्स थे जो आई वांटेड टू ऐड। That was very well said. So yes, of course, jo last note main bolungi jaane se pehle in terms of hamara education system, I think that private jo hamara sector hai abhi wo tak international mulkon ke public education sector tak nahi pahunch saka hai, because mere paas jaise bade bade institutes, City School, Beacon House, ye bahut bade bade naam hai, लेकिन जब मेरे पास सिटी स्कूल सखर से बच्चा आता है उनको बहुत सी चीज़ें नहीं आती। लैंग्वेज स्किल्स पोर, कम्युनिकेशन स्किल्स पोर, एक्सपोजर निल। सो दैट्स व्हाट शॉक्स मी हियर, कि हमारा इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो बच्चे से महीने के 25,000 से 30,000 रुपए ले रहा है वो भी आपको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है। दैट इज़ व्हाट्स स्केयरिंग मी। और यही मैं चाहूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोग एजुकेशन पे ज़रूर फोकस करें। और अभी आई नो दैट अ लॉट ऑफ हमारे जो सिंध के भाई बहन हैं उनकी काफ़ी जेनरेशंस कराची शिफ्ट हो रही हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं मेरे पास जो सिंध से आती हैं, वो हॉस्टल्स में रह रही हैं और उनके माँ बाप उन्हें कराची जैसे शहर में अकेले पढ़ाई के लिए आने दे रहे हैं, बिकॉज हमारे रूरल एरियाज़ में इवन द प्राइवेट सेक्टर उस पर कोई भी वॉच नहीं कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को एजुकेशन इंडस्ट्री में लेके आएँ। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन पाकिस्तान के पूरे प्राइवेट सेक्टर में मैं एक लौती सिंधी ओनर एंड फाउंडर हूँ, एक लौती एंड द ओनली गर्ल एज वेल एंड द यंगेस्ट फाउंडर। सो इट शॉक्स मी, it shocks me that where are our people, why are we not considered at the upfront? And I know ki agar rural areas mein ek ek insaan bhi agar ye knowledge leke aake ek private education khole lekin dil se khole wo bahut bada difference bana sakta hai. Thank you so much for having me and I wish you all the best to all the youngsters that's here and you are all wonderful. Thank you for hosting me. थैंक यू सो मच निशा एंड मरियम। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और बहुत खुशी होती है जब हम अपनी सिंधी लड़कियों को इस तरह से देखते हैं। हाँ असो प्रोग्राम जो इख्ताम पैनल जो फाइनली पर आखिर में गाल चव चाहस तो जैसे भी असा सेशन रखा जैमें सीरियस डिस्कशन थी दिया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी ऑर्गेनाइजिंग असि कॉमिटीज ज ऑर्गेनाइजर्स उन्होंने इन सेशन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सजेशन उन्होंने अगते डॉक्यूमेंट कर अथॉरिटीज़ के दियन खपे। अदरवाइज इट्स यूजलेस इतने वेही कर टाइम पे वेस्ट क्यों था। ठीक है, यो इनजो कोई भी इस्तेमाल ना है तो यह जरूर रिक्वेस्ट रखा से ऑर्गेनाइजर्स से तो जेके भी हाँ सुठियों पढ़ा लिखा मानू ते विहार था वो फ्रूटफुल सजेशंस दियन था तो उन्होंने अगते फॉरवर्ड कर वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।